टी20 विश्व कप 2021 के लिए एमएस धोनी आईपीएल के बाद इंडियन ड्रेसिंग रूम में लौटेंगे। हालांकि इस बार वो खिलाड़ी नहीं बल्कि बतौर मेंटर टीम इंडिया के साथ निभाते नजर आएंगे। धोनी का नया रोल भारत के लिए खुशखबरी है, लेकिन कुछ क्रिकेट पंडित ने इस बात की आशंका जताई है कि धोनी और कोच शास्त्री के बीच हितों का टकराव हो सकता है। इस बीच धोनी और शास्त्री से जुड़ा 2007 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में धोनी लाइव प्रेजेंटेशन में शास्त्री की क्लास लगाते नजर आ रहे हैं। टी20 विश्व कप 2007 में जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी थी, तब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान ये वाकया हुआ था। मैच के बाद धोनी ने सीधे शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा था, शुरुआत करने से पहले रवि मैं आपसे कुछ कहूंगा। कल मैंने आपका एक कॉलम पढ़ा था, उसमें लिखा था कि आपके अनुसार हम इस मुकाबले को हार रहे हैं, लेकिन अब मैंने और मेरे लड़कों ने आपको गलत साबित कर दिया है। हालांकि धोनी ने यह भी सम्मान पूर्वक कहा कि उन्हें यकीन है कि टीम इंडिया की जीत से शास्त्री उनसे ज्यादा खुश है। बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने धोनी के टीम में शामिल होने को लेकर कहा था कि हमें बहुत खुशी है कि एमएस धोनी ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और वो टीम को मेंटर करेंगे। बड़ी बात यह है कि एमएस धोनी ने बीते साल 15 अगस्त को संन्यास का ऐलान कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय टीम फिलहाल धोनी के बिना पिछले 1.5 साल में खेली है, उस लिहाज से धोनी की कमी जरूर टीम इंडिया को खली। ऐसे में उनके मेंटर बनने से क्या विराट कोहली एक बार फिर भारत को ट्रॉफी जिता पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विराट की कप्तानी में आईसीसी की कोई भी ट्रॉफी भारतीय टीम ने नहीं जीती है। बतौर कप्तान विराट का रिकॉर्ड तीनों फॉर्मेट में बेहद शानदार रहा है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आईसीसी ट्रॉफी में वो टीम को जीत नहीं दिला पाए। ऐसे में उन पर सवाल भी उठते रहे हैं और कहा यह भी जाता है विराट कोहली को हटा दिया जाना चाहिए और रोहित को कप्तान बना दिया जाना चाहिए। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।